संबल में सपा प्रत्याशी के भाई की गुंडाई का मामला सामने आया है, जहां सपा को वोट न देने पर भाजपा नेताओं को धमकी एवं जाति सूचक शब्द कहने जैसे आरोप के बाद पुलिस ने केस दर्ज किया है। पुलिस के अनुसार मामला जुनावाई के गांव भाबरू बरखेड़ा लक्ष्मीपुर का है, जहां सपा को वोट न देने पर धमकाने का आरोप है। मोरे जाति के भाजपा नेता रामवीर मोरे ने गुन्नौर के सपा प्रत्याशी राम खिलाड़ी सिंह के भाई एवं सहयोगियों पर गुंडाई कर सपा को वोट न देने पर धमकाने का आरोप लगाया है। भाजपा नेता की तहरीर पर सपा प्रत्याशी के भाई समेत 3 नाम दर्जों पर 10-15 अज्ञात के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज किया है। कितनी बड़ी धमकी दी गई है देखे पूरी रिपोर्ट में। गुन्नौर के पूर्व विधायक राम खिलाड़ी सिंह यादव के भैया ठाकुर सिंह ये आए थे साहब, और मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, मंडल अध्यक्ष किसान मोर्चा से यहाँ आए थे, वोट मांगने के लिए आए थे। कम से कम 200-250 आदमी था उनके साथ में। अवैध तरीके से नारे लगाते हुए आ रहे थे, राम खिलाड़ी सिंह जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, तमाम तरह से नारे लगाए, कुछ पिए हुए थे, गुंडे टाइप के थे। और हम लोग यहाँ बैठे थे, ये कुर्सी पे ये लगा हुआ था, बोले मोरेटू तुम बहुत बड़े नेता बन रहे हो यहाँ जी, गुन्नौर में इतनी गुंडे करोगे यहाँ जी नहीं। तब मैंने कहा साहब मैं गुंडे क्या कर रहा हूँ, मैं साहब पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, मंडल अध्यक्ष हूँ, पार्टी के लिए काम कर रहा हूँ, वोट मांग रहा हूँ। मैंने साहब किसके यहाँ कोई गुंडे करिए। बोले साले मैंने तो ये अभी 2 साल पहले 376 में जेल भेजा था, 400 भी 376 लगाएगा, और एक 376 वाले की ना तो साले बिक जाएगा था, तम तोड़ा भी 3 बीघे जमीन बेचे तू ने साले, और फिर कर दे। तो मुझे बहुत बड़ी बदतमीजी करी, यहाँ गाली गुलाज दे रहे थे यहाँ जी ने, और सब लोगों ने विरोध किया। इसलिए साहब इनकी इस गुन्नौर में इनकी गुंडई है, और साहब मुझे जान से चैलेंज देखेगा, मुझे अपनी जान का खतरा है सर, अपनी जान का मुझे बहुत बड़ा खतरा है। मुझे कहीं भी मेरे साथ कभी भी कोई हादसा कर सकते हैं, एक्सीडेंट करा सकते हैं, मेरा मर्डर करा सकते हैं, और फर्जी मुकदमे भी मेरे खिलाफ लिखवा सकते हैं जी साहब। मुझे बहुत बड़ा खतरा है अपनी जान मान का, और ये मैं योगी जी से माननीय मोदी जी से कहूँगा कि हर जगह की गुंडई खत्म हो गई, लेकिन गुन्नौर की समाजवादियों की गुंडई इनकी अभी तक खत्म नहीं हो रही है सर। मुझे बहुत दबाव बना रहा है, मुझे धमकी दी जा रही है, बहुत धमकी दी जा रही है, धमकी दे रहा है कि मोरेटू तुम यहाँ औकात में रहो, गुन्नौर में रहना है तुम्हें, यहाँ तुम्हें योगी और मोदी बचाने नहीं आएंगे, ये तक इन्होंने यहाँ कहा। लड़कों ने कुछ ना वीडियो बनानी शुरू करी, लेकिन उन्होंने वीडियो के लिए मोबाइल छीन लिया, मोबाइल छीन के लेकर चले जा रहे हैं, गाड़ी में ले जाते डाल के सब, मैं जब गाँव के लोग नहीं होते गाड़ी में डाले जाते, हमारे बूथ अध्यक्ष है हमारे राजा राम सिंह नेता साख के, और मैं रामवीर मौर्या, और यहाँ से हम लोगों को यहाँ जान से मारी धमकी, पूरा गांव मौर्याओं का है, इसीलिए उन्होंने यहाँ गुंडे अपनी पूरी दिखाई यहाँ आकर। सब शराब पिए रहे पूरा गांव, यहाँ बीजेपी के पक्ष में जाता है, एमपी के चुनाव में मात्र यहाँ 7 वोट साइकिल के निकले थे, और बहुत खिसियाने हुए हैं ये लोग, पहले भी बदतमीज कर चुके हैं कई बार, और मुझे पहले भी धमकी दे चुके हैं। एक विधायक जी की भी मेरे पास रिकॉर्डिंग है, जिन्होंने कहा कि धमकी दी थी पहले मेरे लिए जान से मारने की, और कई ऐसी इनके साथ हुआ। हमें मुझे बहुत खतरा है, हमें गुन्नौर आना जाना रहता है, मुझे अपनी जान मान का खतरा है, मेरी सुरक्षा की जाए सर। चलो ठीक है। ग्राम भावलू बरखेड़ा थाना जुनावाई जनपद संबल के श्री रामवीर सिंह द्वारा कल थाना जुनावाई पर एक लिखित तहरीर दी गई कि जब मैं गांव में बैठे थे तो पड़ोसी गांव के श्री ढाकन सिंह, श्री रामनिवास, श्री राकेश आदि 10-15 लोग आए और उन पर समाजवादी पार्टी का वोट देने के लिए दाव बनाने लगे। जब इनके द्वारा मना किया गया तो वो झगड़े पर आमादा हुए। इस तहरीर पर अभियोग पंजीकृत कर विवेचना की जा रही है, जो भी सत्यता होगी उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी।